नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा जो बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में आप तक खबरें पहुंचाते हैं और विश्लेषण करते हैं। अभी हम बाबा के साथ आए हैं एक बड़ी बात को लेकर, एक बड़ी खबर को लेकर जो कि बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले दिनों महागठबंधन से मांझी की पार्टी हम बाहर निकल गए और एनडीए में शामिल हुए हैं। इस बीच एनडीए में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो झिकझिक चल रही है उसमें बीजेपी और जदयू लगभग अब चुप दिख रही है और मांझी और चिराग पासवान के बीच जो है दोनों को आमने सामने कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें, फिलहाल की स्थिति जो है लगभग सामान्य है। जैसा कि आप देखते होंगे कि बाबा का शो चलता है हमारी रिपोर्टर प्रिया के साथ, जो रातों रात का शो चलता है, सुबह 7:30 बजे आता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। जो बाबा एक चुनावी यात्रा पर निकल गए हैं, अलग अलग विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ कौन प्रत्याशी वहाँ के हैं और कौन संभावित प्रत्याशी हैं, सभी के बारे में विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बाबा अब भोजपुर की तरफ रुक कर गए हैं। भोजपुर जो बाबा का कह सकते हैं कि एक घर की तरह है। भोजपुर में काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। बीजेपी और जदयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातें जो है उलझती दिख रही है। जैसा कि 2010 से लेकर 15 तक स्थिति जो थी अलग थी, लेकिन अब 2020 विधानसभा चुनाव में स्थितियाँ काफ़ी अलग दिख रही है। क्या कुछ भोजपुर में होने वाला है, क्या स्थिति है वहाँ की, हम बाबा से जानते हैं। बाबा बताइए। राकेश, सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम करेंगे कि आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जो विधानसभा का सर्वेक्षण हम कर रहे हैं उसकी पूरी विश्लेषण आपके सामने ला करके रख रहे हैं, उससे आप धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं और हमारी बातों को आप मान रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारी रिसर्च टीम को बहुत बहुत बधाई कि वो सही सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम उस चर्चा को कर रहे हैं, तरारी का आपने देखा होगा कि आज ही आया है और इसके बाद भी लोगों का फीडबैक आना शुरू हो गया। हम तरारी की भी बात करते हैं कि तरारी में क्या कुछ स्थितियाँ थी, वो तो हमने लगभग विश्लेषण में सब कुछ बता दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच जो है कि भोजपुर जिला में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ भोजपुरिया जो खुशबू है वो आपको नजर आने लगती है और वहाँ सीटों का जो है आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार लाख प्रयास के बाद भी भोजपुर के लोगों को अपना नहीं पाए। लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि हम भोजपुरी लोगों को अपने खेमा में कर लें और यही कारण है कि वहाँ सबसे ज़्यादा जंग छिड़ा हुआ है। भीतर ही भीतर सब कुछ ठीक होने की बात की जा रही है, लेकिन इस ठीक होने में बहुत कुछ बेठीक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बेठीक हम इसलिए कह रहे हैं कि जो जो सीटें पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास थी उन सीटों पर अब जेडीयू ने दावेदारी कर दी है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि तरारी की सीट जिसकी हमने पूरी चर्चा के विस्तृत विश्लेषण किया उस सीट पर भी पेंच फंसा हुआ है, लेकिन हम उसकी चर्चा अब नहीं करेंगे, उसकी सेकंड जो फेज में हम चर्चा करेंगे वो करेंगे। लेकिन वर्तमान जो 3 विधानसभा ऐसे हैं जहां पूरी तरह से हमारी सर्वे टीम जो लेकर के आई है उसमें से पहले भी हमने बताया है कि दिनारा में मामला गड़बड़ा रहा है। दिनारा में जयकुमार सिंह पर भारी पड़ रहे हैं बीजेपी के राजेंद्र सिंह और बीजेपी ने साफ तौर पे ये बात नीतीश कुमार को बता दिया है कि भैया यहां तो हम ही रहेंगे। बिल्कुल, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जेडीयू को वो सीट छोड़नी पड़ सकती है जी। और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जेडीयू जब कुछ छोड़ेगी तो उससे ज्यादा चाहेगी कि हमको मिल जाए। बिल्कुल, तो जेडीयू का दावा उससे भी बड़ा हो गया है। बीजेपी के एक सीट को छोड़ने के लिए वो कई सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है, जिसमें से तरारी भी है। बिल्कुल, अब आगे आप देखिए तो आरा सीट की बात करते हैं। आरा सीट जो है वो छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि आरा में पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें से कहीं ना कहीं आरजेडी ने जीत जरूर हासिल कर ली थी। बिल्कुल, बीजेपी को हराने के लिए बहुत कम वोट, काफी कम मात्रा में, कम अंतर था। लेकिन अमरेंद्र प्रताप का वो लगातार वहां से चुनाव लड़ती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है, इस सीट पर बीजेपी की एक दावेदारी है। बिल्कुल, और इस बार कहा यह जा रहा है कि संजय टाइगर जो हैं उनको वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात हो गई है कि इस सीट पर
जदयू ने अपनी दावेदारी ठोक दी है कि अगर उसे दिनारा छोड़ना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में उसे आरा चाहिए और इसके अलावा और भी सीट चाहिए, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आरा क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, तो वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र के लिए चाहिए जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और जदयू के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं बिहार प्रदेश के। अब इन सब मामलों को लेकर के जहां एक तरफ अमरेंद्र प्रताप के लिए स्टेज पर हैं, वहीं संजय टाइगर जो प्रयास कर रहे थे कि आरा से वो चुनाव लड़े उनके लिए भी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आरजेडी ने तो अपना अभी तक पत्ता नहीं खोला है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू की जो लड़ाई है वो एक अलग लेवल पे चली गई है और बीजेपी को हो सकता है कि ये सीट छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि नीतीश कुमार मजबूर कर रहे हैं। इसके बाद सबसे अहम सीट जो है बक्सर, आपको पता है कि बक्सर के एमपी भी हैं और आरा के भी एमपी हैं, दोनों एमपी जो हैं वो बीजेपी के हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी चाहेगी कि अपना सीट रहे, लेकिन बक्सर में भी स्थिति कमोबेश वैसे ही हो रही है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, आपको पता है कि महागठबंधन एक साथ था और महागठबंधन ने बड़ी विक्ट्री की थी 2015 में। अब इस बार दावेदारी जो है वो बड़ा अजीब तरह का हो गया है, वहां बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है, लगातार बीजेपी वहां से चुनाव लड़ती रही है। प्रदीप दुबे बहुत ही अच्छे मतलब कैंडिडेट के रूप में उनको देखा जा रहा था, 2015 में हार भी गए थे। इस बार वहां दावेदारी बीजेपी के कई नेताओं की थी, लेकिन उस पर भारी पड़ रही है जदयू की दावेदारी। जदयू किसको खड़ा करेगी ये एक प्रश्न जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा था और काफी चर्चाएं तेज हैं कि अशोक चौधरी के बहुत करीबी हैं वर्तमान कांग्रेस के जो वहां विधायक हैं, वो बहुत करीबी हैं। संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी उनको कहा जाता है, उनका नाम है, और वो पिछली बार 2015 में चुनाव जीते थे कांग्रेस के सिंबल पे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उनकी नजदीकियां जो हैं उसके चलते नीतीश कुमार से भी उनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा है और नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि संजय तिवारी वहां से चुनाव जीते तो एक सीट जदयू के खाते में चली जाएगी और इसको लेकर के बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नजर आ रहा है कि ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भले ही भारतीय जनता पार्टी कहे कि सब कुछ हमने तय है, लेकिन नीतीश कुमार ने अगर एक हाथ ले तो दूसरे हाथ बहुत कुछ दे वाली नीति अपना रहे हैं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार को बैकफुट पर लेके जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा भी मुश्किल होगा, क्योंकि अपने लिए बैकअप भी लेकर के नीतीश कुमार आ गए। जैसा कि शुरू में आपने बताया भी है कि जीतन राम मांझी को उन्होंने लठैत के रूप में लाया है और भले मांझी जी नैया पार कराएं चाहे नहीं पार कराएं, लेकिन उनका जो पतवार है ना उस पतवार से वार जरूर कर रहे हैं और बिल्कुल 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 इतना पतवार से वो इतना वार कर रहे हैं कि उन्होंने पोस्टर तक से गायब कर दिया है एलजेपी को। यानी कि कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बीजेपी को एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने बैकफुट पे आना पड़ेगा, घुटनों पे आना पड़ेगा और तभी बीजेपी के लिए राहें थोड़ी सी सुगम हो सकती हैं बिहार के चुनाव में, वरना आप समझ लीजिए कि वही स्थिति है जो 2010 में रही, 2005 में रही। कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके 2005 और 2010 नीतीश कुमार वापस ले आएंगे, भले अलग रहे हों 5 साल 4 साल, लेकिन बीजेपी को अभी भी वो घुटनों पर ही टिकाए रहे हैं। जी, तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी और जदयू के बीच जो है सीट शेयरिंग के मामले को लेकर संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। जैसा कि बाबा ने बताया कि कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं जैसे दिनारा, आरा, बक्सर, इन सभी जगह पे जो है बीजेपी और जदयू के बीच में नोकझोंक चल रही है। अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।